पुलिस विभाग के निर्देश पर आजकल मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस ने टिहरी जिले में अभियान छेड़ा हुआ है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की धरपकड़ जारी है। इसी अभियान के तहत नरेंद्रनगर पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस चौकी जाजल वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक वाहन जो कि नई टिहरी से ऋषिकेश की ओर जा रहा था, उसे रोकने को कहा गया, लेकिन वाहन चालक तेजी से आगे निकल गया। शक होने पर पीछा किया गया, जिसके बाद इस वाहन से दो अभियुक्तों को 1 किलो 460 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा गया, जिन पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नई टिहरी जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी चरस को उत्तरकाशी से खरीद कर हरिद्वार ले जा रहे थे। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो है कि आजकल जो नशे का प्रभाव है ज्यादा युवाओं में, हमारे बच्चों में ज्यादा बढ़ रहा है, और अभी पहाड़ की ओर भी रुख करने लगा है। तो इसी को देखते हुए ऊपर से उच्च अधिकारियों के समय से विभिन्न निर्देश होते हैं कि इस संबंध में प्रभावी कार्य किए जाए, नशीले पदार्थों को इस तरह के NDPS के पदार्थों को पकड़ा जाए। इसी संबंध में हम लोगों की एक चेकिंग भी चल रही थी। तो रेगुलर चेकिंग में कल दिन में जाजल चौकी में ऐसा अमित के निर्देशन में एक पट्टी चेकिंग करके जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम नोरतू और एक का नाम वीरेंद्र है। ये दोनों लोग गेंडी खाता के रहने वाले हैं और इनके पास से 1 किलो 460 ग्राम चरस दोनों के पास बरामद हुई है। नोरतू के पास से 1100 ग्राम और जो वीरेंद्र है उसके पास 360 ग्राम। कुल मिलाकर के 1 किलो 460 ग्राम चरस अवैध बरामद हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीत करके उनको अब जेल भेजने की कार्रवाई, रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले लोगों की इन दिनों कमी नहीं है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर टिहरी गढ़वाल की पुलिस ने लगातार अभियान जारी किए हुए है इनको धर दबोचने का, और इसी के तहत कल जाजल पुलिस चौकी पर गेट के पास पुलिस इस अभियान को जारी रखे हुए थी। एक गाड़ी जो बड़ी तेजी रफ्तार से आई उसको रोकने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन वो आगे बढ़ गए। उसका पीछे करते हुए दो व्यक्तियों को उसमें धर दबोचा गया, जिनके पास से 1 किलो 460 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख से ऊपर लागत की आगे गई है। और पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम शुरू कर दिया है। नैनगर थाना दोनों को जेल भेज रही है। नैनगर से संवाद 365 के लिए मैं वत्स।